हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन फूड रेसिपीज। जैसा कि आपने टाइटल ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, आज की रेसिपी है वेजिटेबल फ्राइड राइस। ये बहुत ही सिंपल, इजी एंड 5 मिनट्स में बन जाने वाली रेसिपी है। सो वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, एंड विदाउट एनी फर्दर ड्यू जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ चीजें ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखी हैं, जिसमें है एक छोटा प्याज एंड 1-2 लहसुन की कलियां, इसे भी बारीक कट कर लिया है, एक ग्रीन चिली, और यहाँ पे मैं कुछ मिक्स फ्रोजन वेजिटेबल्स ले रही हूँ। ऑफ कोर्स आप फ्रेश वेजिटेबल्स भी यूज कर सकते हैं। इसमें बीन्स, कॉर्न, कैरेट, पीज एंड सम अदर बीन्स हैं। तो सबसे पहले हम गैस को स्विच ऑन करके एक पैन रख देंगे, और जैसे ही हमारा पैन गर्म हो जाए, पहले मैं 2-3 स्पून ऑयल ले रही हूँ। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाए तो हम यहाँ पे थोड़े से खड़ा जीरा डालेंगे और उसका कलर चेंज हो जाए, उसके बाद से हम यहाँ पे एक ग्रीन चिली भी ऐड कर देंगे, और ग्रीन चिली को भी इसका कलर चेंज होने तक हम पकाएंगे। अब मैं ऐड करने जा रही हूँ लहसुन, तो लहसुन को भी ऐड करके मैं इसे 30 सेकेंड तक पका लूंगी। और जैसे ही हमारा लहसुन थोड़ा सा भुन जाए, इसके बाद से हम बारीक कटा हुआ प्याज भी डाल देंगे, और प्याज को भी हम तेल में अच्छे तरह से मिक्स कर देंगे, और इसे हम करीब 1 मिनट तक पका लेंगे। और हमें आंच मीडियम टू हाई रखना है, इसे हमें लो फ्लेम पर नहीं पकाना है, हाई मीडियम फ्लेम पर पकाना है। जैसे ही ऑनियन का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, तो इसमें हमारी फ्रोजन रखी हुई सब्जियां मैं ऐड कर दूंगी। सब्जी ऑफ कोर्स आप अपने पसंद के अनुसार और अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप रख सकते हैं। मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी और हाई फ्लेम पर करीब 1-2 मिनट तक इसे पका लूंगी। हमें सब्जियों को गलाना नहीं है, हमें क्रंची रखना है। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1 छोटा चम्मच सॉल्ट, और मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी सब्जियों के साथ, और बीच बीच में आप इसे चलाते रहें, 1-2 मिनट तक हम भून लेंगे। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ राइस, जो कि बचे हुए राइस हैं जिन्हें मैं यूज कर रही हूँ। तो राइस को भी सब्जियों के साथ हमें अच्छे से मिक्स करना है। ध्यान रखना है कि चावल हमारे टूटे नहीं, वेरी जेंटली ही हमें मिक्स करना है, और बस इसे 1-2 मिनट तक हम भून लेंगे, और इसके बाद से हमारा फ्राइड राइस रेडी हो जाएगा। और इसके बाद मैं गैस को स्विच ऑफ कर दूंगी, और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ फ्राइड राइस मसाला, मेरे पास ये अवेलेबल है। तो जस्ट मैं गैस स्विच ऑफ करने के बाद गार्निशिंग के लिए इस पर जस्ट थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दूंगी। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो यूज करें। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ता भी ऐड कर दिया है, तो इससे थोड़ा इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं सर्व करने के लिए इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ, और आप देख सकते हैं ये फ्राइड राइस कितना टेम्पटिंग लग रहा है, इसे देखकर मुंह में पानी आ रहा है। आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इसे बनाएंगे, बिकॉज हमने इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स डाली हैं, तो सारी वेजिटेबल्स की गुडनेस है इसमें। आप इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स में दे सकते हैं, किसी गेस्ट आने पर हम बना सकते हैं, तो ये देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। आप एक बार इसे जरूर बनाइए, खाइए, और अपने एक्सपीरियंस मुझे जरूर शेयर कीजिए कि आपको ये कैसा लगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और एज ऑलवेज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय।